अपराध जांच शाखा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को ढेर किया है। आरोपी मृतक लूट, हत्या, दुष्कर्म जैसे दर्जन भर से अधिक मामलों में शामिल था। पलवल डीएसपी सुनील कादियान ने बताया कि गांव भुलवाना निवासी 40 वर्षीय गुड्डू उर्फ सुरेश वांछित अपराधी था, जिसके खिलाफ लूट, हत्या, दुष्कर्म वे जान से मारने की नीयत से हमला करने जैसे 13 संगीन मामले अलग अलग थाने में दर्ज है। हत्या के मामले में गुड्डू को सजा हुई थी और लगभग 3 वर्ष पूर्व जमानत पर आया था और तभी से फरार चल रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा आरोपी गुड्डू पर 50,000 रुपए और पुलिस को भी गुड्डू की काफी तलाश थी। 30 अक्टूबर की रात को सीआईए पलवल को मुखबिर सूचना मिली कि गुड्डू वेगर नंबर की बाइक पर मथुरा से आ रहा है और गांव असावटी रेलवे फाटक होते हुए गांव छज्जू नगर की तरफ जाएगा। सूचना मिलते ही टीम गठित की गई, जिसमें एसआई अजीत सिंह, हवलदार भूपेंद्र, सिपाही नरेंद्र, सोनू धर्मदेव व सरकारी गाड़ी चालक महेश को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने असावटा रेलवे फाटक के समीप नाकाबंदी शुरू की। लगभग 40-50 मिनट बाद बगैर नंबर की बाइक आती दिखाई दी। बाइक पर सवार व्यक्ति सामने पुलिस टीम को देख यू टर्न जाने लगा। पुलिस ने पीछा कर बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार ने अपने पास मौजूद हथियार से फायर करने शुरू कर दिए। पुलिस द्वारा भी आरोपी को काबू करने के लिए हवाई फायर किए, लेकिन आरोपी लगातार फायर करता रहा। इसी दौरान आरोपी की एक गोली एसआई अजीत सिंह की छाती में आकर लगी, लेकिन गनीमत रही कि एसआई अजीत सिंह ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक गोली आरोपी के पैर व एक छाती में लगी और सड़क किनारे झाड़ियों में गिर गया। आरोपी को काबू कर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम गुड्डू उर्फ सुरेश निवासी गांव भुलवाना बताया। आरोपी को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वीरवार सुबह आरोपी के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया। ये सुरेश उर्फ गुड्डू हरदेव चाट बुलवाना का अपने मोस्ट वांटेड में चल रहा था, जिस पे पुलिस का 50,000 का इनाम था और कम से कम 6 मुकदमे में वांटेड था। आज रात को सीआईए टीम को मुखबरी मिली असावटा फाटक पे, ये मथुरा से आ रहा था छज्जू नगर के लिए जा रहा था, तो पुलिस पार्टी ने नाका लगा रखा था। पुलिस पार्टी को देख के मोटरसाइकिल पे वापस टर्न करने लगे। इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर सीधा फायर किया। फायर करने के बाद इंस्पेक्टर ने इनको वार्निंग दी, लेकिन ये नहीं माना। अजीत एसआई के बॉडी पहरे हुए था, उस पर सीधा फायर लगे, वो बच गए। दो फायर और किए, एक जवाबी में पुलिस ने फायर किए हैं, जो इसके पैर में गोली लगी, एम्बुलेंस हो गया, ये वहाँ गिर गया। जब इसको काबू किया, रात को अकेला था। देखो ये अपराध करने वाले, इनका क्या काम है रात को ऐसे ही घूमते रहते हैं, अपराधी नहीं अच्छे। पुलिस से लगभग 3 साल से फरार चल रहा था।